वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएम आवास पर इस वक्त पंजाब चुनाव को लेकर, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। तो मंथन जारी है पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। पीएम आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक हो रही है। पंजाब बीजेपी के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो पीएम आवास पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी बैठक में शामिल है। तो अभी की यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक ताजा अपडेट है पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। पीएम आवास पर एक अहम बैठक जारी है जिसमें बीजेपी के जो प्रभारी हैं वहां पर दुष्यंत गौतम वो भी मौजूद हैं। अब इस बैठक का आखिर हासिल क्या होगा और इस बैठक का एजेंडा क्या, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। इस बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नीरज पांडे, हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत अहम बैठक चल रही है। इसमें सिर्फ पंजाब चुनाव नहीं बल्कि पंजाब चुनाव के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा होने वाली है। किसान आंदोलन को लेकर समस्या होने वाली, किसानों को कैसे किसान आंदोलन को शांत किया जाए इस पर बात होने वाली है। और इस किसानों का जो विरोध चल रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन और चुनावी कार्यक्रम में क्या असर पड़ने वाला, इन सभी विषयों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी बैठक चल रही है जिसमें तरुण चुग मौजूद हैं, पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मौजूद हैं, दूसरे जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और दरअसल ये पंजाब बीजेपी का डेलीगेशन है, ये हर तरह की समस्याओं को लेकर हर एस्पेक्ट पर बात करने के लिए आज प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत इसे अहम माना जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है, महज 2 महीने का समय रह गया है पंजाब चुनाव में, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता जो पंजाब अफेयर से जुड़े हुए हैं वो सब प्रधानमंत्री आवास में हैं, तो इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए नीरज आपका। और कुछ तस्वीरें भी देखिए अब सामने आने शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं मुख्य जो द्वार है प्रधानमंत्री आवास का, और ये देखिए वो तस्वीर सामने आ गई है जो पंजाब के जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रधानमंत्री से मिले हैं और चर्चा हो रही है ना सिर्फ चुनाव को लेकर बल्कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उसको लेकर भी मंथन जारी है। ABP News आपको रखे आगे।